ध्यान दें तो बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको जगह दी गई है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको जगह दी गई है और धनवार सीट उनकी पारंपरिक सीट है, वहां से वो लड़ते आ रहे हैं। सीता सोरेन का यहां जो है जामताड़ा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, जामा से वो चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन बगल की जो सीट है जामताड़ा, शिबू सोरेन की फैमिली से जुड़ा हुआ ये सीट है। कभी शिबू सोरेन और जो है दुर्गा सोरेन का ये प्रभाव क्षेत्र हुआ करता था, तो अब सीता सोरेन का मुकाबला जो है फुरकान अंसारी के बेटे इरफान अंसारी से होगा जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। नीरा यादव जो है पूर्व मंत्री रही हैं, महिलाओं की काफ़ी अच्छी तादाद है और नीरा यादव जो कोडरमा से हैं विधायक, उनको भी फिर से एक बार मैदान में उतारा गया है। देखिए दिलचस्प बात यह है कि रघुवर दास जो है जमशेदपुर पूर्वी सीट पर जो दबाव बनाए थे उनको कामयाबी मिल गई है और उनकी पुत्रवधू जो है नाम तो लिखती हैं वो पूर्णिमा ललित दास, यानी कि जो रघुवर दास के बेटे हैं उनके उनका नाम ललित दास है। तो जमशेदपुर ईस्ट में पूर्णिमा दास साहू है जो उनका रियल नेम है, तो वो जो है रघुवर दास की पुत्र वधु हैं। रघुवर दास जो है मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के और पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, अभी वो उड़ीसा में गवर्नर हैं। तो उनका है नाम झरिया से जो है रागनी सिंह हैं, सिंह मेंशन का जिक्र हमेशा से होता रहा है धनबाद में। अपर्णा सेन गुप्ता हैं जिनको रिपीट किया गया है। देखिए एक नाम और दिलचस्प है, वो नाम है अर्जुन मुंडा की पत्नी, अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी जगह दिया गया है, मीरा मुंडा को। और जो है गीता कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, पूर्व सांसद रही है कांग्रेस की और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी ज्वाइन की थी, हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिल पाई और वो फिर से वापस आई हैं। तो उनको देखिए चंपई सोरेन को भी जगह मिला है सरायकेला से, और चंपई सोरेन के साथ साथ नीलकंठ सिंह मुंडा जो बड़े ट्राइबल लीडर माने जाते हैं, इनके भाई जो है कांग्रेस में सांसद है। इस बार अर्जुन मुंडा को उन्होंने कालीचरण मुंडा ने चुनाव हरा दिया और खूंटी से सांसद हैं, तो खूंटी ही सीट से नीलकंठ सिंह मुंडा जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं रघुवर दास की सरकार में, कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। सीपी सिंह की काफी चर्चा हो रही थी कि सीपी सिंह का टिकट कटेगा रांची से, और कई तरह के नाम आ रहे थे, अजय नाथ सहदेव का जिक्र हो रहा था कि उनकी एंट्री हो सकती है तो सीट प्रभावित होगी, उनको हटिया से उतारा जाएगा, नवीन जायसवाल को फिर जो है हटिया से बदल के रांची लाया जाएगा, लेकिन सीपीसी कामयाब हुए अपनी सीट बचाने में और वो फिर से एक बार जो है उम्मीदवार होंगे। कई दफे से सीपीसी चुनाव जीतते आ रहे हैं, अगर आप पुराने चेहरों का जिक्र करेंगे झारखंड में तो बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, सरयू राय और रघुवर दास, ये यूनाइटेड बिहार से ही ये विधायक रहते हैं। सर अगर सीता सोरेन की बात करें तो वो जामताड़ा से इस बार चुनावी रणभूमि में है, इस सीट को लेकर भी पहले चर्चा चल रही थी क्या? देखिए सीता सोरेन की चर्चा थी कि उन्हें जामा से लड़ाया जा सकता है, लेकिन इस बात की भी चर्चा थी कि उन्हें जामताड़ा से उतारा जा सकता है। और सीता सोरेन जो शिबू सोरेन राज्य के प्रमुख लीडर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, शिबू सोरेन परिवार की ये शिबू सोरेन की पुत्र वधु हैं सीता सोरेन, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में आई थी, मुश्किल से वो जो है कम मार्जिन से चुनाव हार गई, उनको लोकसभा में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सीता सोरेन बीजेपी में आई हैं, फिर से वो विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रही हैं। तो अब देखा जाएगा कि जब सीता सोरेन चुनाव लड़ेंगी तो कामयाबी मिल पाती है कि नहीं। सर अगर इस पूरी लिस्ट पर अगर हम ध्यान दें तो कुल मिलाकर 66 सीटें हैं, तो इन 66 सीटों में से कितनी हॉट सीटें हैं इसकी जानकारी दीजिए। देखिए हॉट सीटों में अगर हम जिक्र करें तो बाबूलाल मरांडी की है, बाबूलाल मरांडी को संभावित माना जा रहा है मुख्यमंत्री की सूची में। बाबूलाल मरांडी के साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से जो है बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के विधायक हुआ करते थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है मुखर हुआ करते थे, तो उनका जिक्र है। उसी तरीके से सीता सोरेन जामताड़ा से अपनी किस्मत आजमाएंगी तो ये भी हॉट सीट माना जा रहा है। दुमका जो है संथाल परगना का जो है केंद्र बिंदु और झारखंड की उपराजधानी मानी जाती है, दूसरी राजधानी मानी जाती है, और ये जेएमएम परिवार के लिए गढ़ माना जाता है, तो वहां से पूर्व सांसद
सुनील सोरेन जिनका टिकट कटा था और सीता सोरेन को जो है मौका दिया गया था, तो काफी चर्चा हुई थी। सुनील सोरेन ने विरोध नहीं किया, पार्टी के हित में काम करते रहे, तो उनको दुमका से उतारा जा रहा है। पहले भी विधायक ये रहे हैं वहां से, तो सुनील सोरेन है। उसके साथ ही आप देखिए कि अमित कुमार मंडल, इनके पिता भी बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, उनको फिर से मौका मिला है। नीरा यादव जो जब शिक्षा मंत्री थी तो कई विवादास्पद बयान दी थी, उसके लिए जानी जाती हैं, तो इनको रिपीट किया गया है। मनोज यादव जो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे, बरही से लड़ रहे हैं चुनाव, वो कभी कांग्रेस के विधायक दल के नेता हुआ करते थे, जो है पिछली बार 2019 में जब वो बीजेपी का दामन थामे तो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ थे। देखिए रोशन लाल चौधरी काफी दिलचस्प नाम है, ये आसू के कैंडिडेट थे जी। लेकिन बड़का गांव सीट तो बीजेपी के खाते में आ गई, तो सुदेश महतो ने कहा कि ये हमारे जो है रोशन लाल चौधरी को एडजस्ट किया जाए, ये चंद्र प्रकाश चौधरी के रिश्तेदार हैं और सुदेश महतो के भी रिश्तेदार हैं, तो उनको मौका दिया गया है। उसी तरीके से आप देखिए कि अभी हाल ही में जो जमुआ से केदार हाजरा बगावती तेवर लेकर और जेएमएम में शामिल हो गए हैं, उनको क्यों बगावती तेवर अख्तियार करना पड़ा, कि मंजू देवी वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं, अभी हाल ही में आई हैं तो उनको लड़ाया जा रहा है। उसी तरीके से आप देखिए कि रविंदर पांडे जिनका टिकट कट गया था, अब उनको मौका दिया जा रहा है बेरमो से, ये 5 बार सांसद रहे हैं, और इनका टिकट क्यों कट गया था, क्योंकि आसू को गिरिडीह सीट चली गई थी। फिर उसके बाद देखिए कि रागनी सिंह हैं जो सिंह मेंशन परिवार से हैं, यहाँ जो है दो कहें कि उस तरफ कांग्रेस की विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह और रागनी सिंह, दोनों जो है दोनों का खास रिश्ता है और एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगी। दिनेशानंद गोस्वामी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बहरागोड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल सोरेन देखिए काफी दिलचस्प है, घाटशिला से उनको उतारा गया है, बीजेपी परिवारवाद को लेकर काफी मुखर रहती है, लेकिन एक तरफ जो है सरायकेला से चंपई सोरेन होंगे, तो दूसरी तरफ घाटशिला जो बगल की सीट है बाबूलाल सोरेन उनके बेटे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। मीरा मुंडा जो पोटका से चुनाव लड़ रही हैं, वैसे तो खरसावा से चर्चा थी क्योंकि खरसावा अर्जुन मुंडा की परंपरागत सीट हुआ करती थी, तो अब मीरा मुंडा को पोटका जो बगल की ही सीट है वहां से लड़ाया जा रहा है। मीरा मुंडा काफी सक्रिय रही हैं, तीरंदाजी से जुड़े हुए एसोसिएशन में भी काम करती रही हैं। जमशेदपुर इस जो है हॉट सीट है, क्योंकि रघुवर दास ने जो है कड़ी आपत्ति जाहिर की थी जब चर्चा हो रही थी कि वहां के जो विधायक हैं सरयू राय वो जेडीयू से टिकट लेकर, और वाकई दिवाकर जी बहुत सारी खास बातों का ख्याल रखते हुए इस लिस्ट पे अलग अलग नामों का चयन किया गया है और उस पर मुहर भी लगी है। इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ संवाददाता निरंजन जुड़े हुए हैं। निरंजन, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्या हलचल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लिस्ट अब जारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, लिस्ट जारी हो गई है और जो कयास लगाए जा रहे थे कई नामों की, जो वर्तमान में विधायक हैं, जैसे सीपी सिंह का टिकट काटने की बात हो रही थी, कई विधायकों की टिकट काटने की बात हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं इस बात की कयास का आज अंत हो गया है और सभी को जो टिकटें दी गई है निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली बात है। कई दिनों से सुर्खियों में था और मैं भी लगातार इस बात को लेकर के डाल रहा था कि जो सीटें जो जारी की गई थी, जो लिस्ट जारी की गई आज, वो कहीं न कहीं इस बात का साफ तौर पर संकेत था कि रांची से लेकर के दिल्ली तक जो बैठकों का दौर जारी था उसको लेकर के जो कन्फर्म किया गया है, ये उत्साहित करने वाली बात है। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये बीजेपी मुख्यालय है, निश्चित तौर पर ये यहाँ एक उत्सव का माहौल है। अभी से कुछ देर पहले जो गिरिडीह के सांसद हैं सीपी चौधरी, बीजेपी का दामन थामा है उन्होंने, जिसे आप बड़का गांव से टिकट दिया गया है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बाहर, हम कोशिश करेंगे दिखाने की। और आप देखें कि ये बीजेपी का मुख्यालय है, अभी यहाँ पर पूरी तरह से माहौल बना हुआ है और हम बात करेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से। आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से उत्सव का माहौल है, और बाहर देखें आप, यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है कार्यकर्ताओं की, और जो लिस्ट आई है आप देखें कि ये बीजेपी का मुख्यालय है और जिनका टिकट कन्फर्म हुआ, यह खुशी है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं से, कितनी खुशी है आज जो लिस्ट जारी हुई है। बहुत ही ज्यादा खुशी है, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया है, और हमारे चतरा जिला का सिमरिया विधानसभा इसका उदाहरण है, जहां उज्जवल दास जी जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी पार्टी ने टिकट दे करके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है, और अब दुगना मत से जीत करके झारखंड में हेमंत सरकार को उखाड़ने का काम
भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर ये बीजेपी का मुख्यालय, यहाँ कार्यकर्ताओं को भीड़ लगी है, जो कार्यकर्ता समर्थक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि आप कहाँ से हैं बताइए। चतरा से हैं। हाँ बताइए आप चतरा से। चतरा से हैं। चतरा से श्री जनार्दन पासवान जी को टिकट मिल रहा है लोक जनशक्ति पार्टी से। भाजपा से हम लोग गठबंधन है और हम लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। निश्चित तौर पर एक उत्साह है, हम और भी लोग से जाने की कोशिश करेंगे। आप इधर आइए, इधर इधर आप इधर आइए। आप कहाँ से हैं? चतरा से हैं। आप चतरा से हैं? चतरा से तो लोजपा को टिकट मिला है। हाँ अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ। कितना खुश है आप? बहुत खुश, 100%। और भी कार्यकर्ताओं से हम जाने की कोशिश करेंगे। देखिए बीजेपी का मुख्यालय है फूल। आप कहाँ से हैं? भाजपा के जिलाध्यक्ष हुए चतरा। लिस्ट जारी हो गया है ना? हाँ लिस्ट जारी हो गया, लिस्ट से काफी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उज्जवल देश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देखिए इस वक्त दुमका से हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सोरेन जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। सुनील जी बहुत उत्साहित होंगे, आपका नाम भी इस लिस्ट में है। चलिए एक बार फिर से निरंजन का रुख करते हैं। संवाददाता निरंजन लगातार बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। और देखिए कितने उत्साह के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हर हाल में इस बार हेमंत सोरेन की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और इसकी तैयारी युद्धस्तर पर हमारी तरफ से की जा चुकी है। तो तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर से ये लाइव दिखा रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और आपको जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये बीजेपी का मुख्यालय है और कहीं न कहीं इस बात का जो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि किनका टिकट कटेगा, किन्हें टिकट मिलेगी और उस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी, लेकिन अब इस पर बिंदु लग चुकी है, अब इस पर विराम लग चुका है। कहीं न कहीं जो कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो लगातार चलते रहेगा, पहला चरण मतदान होना है 23 नवंबर को और दूसरा चरण का जो होना है 20 नवंबर को, जो नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है 18 अक्टूबर को, उसको लेकर के आज दूसरा दिन बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया है ये बहुत ही उत्साहित की बात है। हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे साफ तौर पर। आप कहाँ से हैं? हम चतरा से हैं, सिमरिया विधानसभा से। कितना खुशी है? हम लोग खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी आज लिस्ट जारी की है और वहाँ से उज्जवल दास को टिकट दिया है। काफी दिनों से पूर्व विधायक जो स्वर्गीय विधायक रहते हुए उपेंद्र दास जी डेथ किए थे और उसके बाद उस समय लड़का काफी उज्जवल दास क्षेत्र में। कहाँ से हैं? भाजपा जिलाध्यक्ष चतरा। हाँ, तो टिकट सूची जारी हो गई पता है ना? हाँ काफी खुशी है, टिकट जारी हुई है। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में बने रहने वाले कार्यकर्ता को टिकट मिला है, इसलिए काफी कार्यकर्ता काफी खुश है और हम भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। चतरा से हूँ, चतरा से। ये भारतीय जनता पार्टी का सूची आया है, बहुत खुशी की बात है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में उदरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को, पोल में झंडा बांधने वाले कार्यकर्ताओं को आज सम्मान दिया जा रहा है। जैसे सिमरिया विधानसभा में आदरणीय किशुन गेथी उज्जवल दास जी को टिकट दिया गया है, एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य परिवार से है, हम लोग बहुत खुश हैं। सिमरिया विधानसभा भारी मतों से हम लोग चतरा थी, सिमरिया दोनों विधानसभा हम लोग भारी मतों। और हमारे साथ इस वक्त इस लिस्ट के आने के बाद जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, बीजेपी से सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, जिस लिस्ट की चर्चा हम कर रहे हैं उसकी चर्चा पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं के बीच भी, इस लिस्ट में ऐसा कोई नाम जो अप्रत्याशित दिख रहा हो या ये सब कुछ तो स्वाभाविक है?
अब देखिए, मैंने सच्चाई है कि मैंने कोई लिस्ट अभी नहीं देखा है। मैं बैठा हुआ था, हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, हम लोग दोनों घर के अंदर बैठे हुए थे, कार्यकर्ता लोग बाहर में था। अचानक अपने खुशी का एक ज्वार उठा, आवाज आई, तो हम लोग को लगा कि कहाँ से ऐसा आ रहा। ध्यान से उतर गए कि हमारे आवासीय में कार्यकर्ता लोग जुटा हुआ है, ठीक है। तो फिर तब तक दौड़ दौड़ के सब आ गया घर के अंदर। फिर हम लोग सीपी सिंह जी, रांची से चूंकि आपको टिकट मिला है, तो पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं जनसंघ काल से लगभग 50-55 साल से मैं जुड़कर काम कर रहा हूं, और एक दिन भी मैं दाएं बाएं नहीं हुआ, एक दिन भी मैंने आराम नहीं किया। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के हित के लिए मैं हमेशा काम किया, संगठन के लिए काम किया। तो मैं कोई न विचलित होता हूँ, न बहुत खुश होता हूँ। सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मैं अपना धैर्य को बनाए रखता हूँ। और मुझे, मैं लोगों को कहता भी, कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ कि भाई आप धैर्य बनाए रखो, कीप पेशेंस, क्योंकि ये धैर्य का फल मीठा होता है। तो मैं इतना ही जानता हूं कि भाई कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहुत से उतार चढ़ाव, लोच खबर, ये खबर, वो खबर, तरह तरह के खबर लोगों ने चलाए, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, यहाँ तक कि मुझे न्यूज 18 के ही लोगों ने हमसे इंटरव्यू लिया, हमारे जो न्यूज 18 के संवाददाता, उन्होंने कहा आपके बारे में ऐसा चला, किसी ने चलाया है। मैंने खुजवाया कि कौन शख्स है जो चलाया इस तरह का। अरे भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उसको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा कि किसी का औकात नहीं है कि सीपी सिंह को खरीद सके। मैं आज भी कह रहा हूँ ये बात कि सीपी सिंह को खरीदने की किसी के औकात नहीं है और न हिम्मत है, हमसे पहुंचने तक की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये प्रोपगंडा चलाया गया, तो मैं कह रहा हूँ कि सीपी सिंह हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, और चलिए हमारे साथ इस वक्त सीपी सिंह धनबाद से राज सिन्हा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी उम्मीदवार भी हैं, तो आपसे भी मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगी, क्योंकि लिस्ट में जिन जिन नामों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी ने लिस्ट जारी करते हुए, ये सब स्वाभाविक नाम ही है। राजसिन्हा जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं चाहूंगी कि भाई नाम सामने है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जी, मैं पार्टी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हम तमाम नेताओं को जिन्होंने फिर से मुझ पर विश्वास किया है, और साथ ही साथ धनबाद की जनता, अपने कार्यकर्ता, जिन लोगों ने, जिनके चलते पार्टी को मुझ पर भरोसा हुई और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, और यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विश्वास पर कभी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। कोई चुनौती आपको दिखती है? जी, कोई चुनौती आपको दिखती है धनबाद में? नहीं, जनता की इच्छा है, और मैं तो जब भी चुनाव जीतता हूँ, लोगों के, अपने मतदाताओं के इच्छा के अनुरूप जीतता हूँ, तो बिल्कुल मुझे जनता से कोई दुख नहीं है, कोई, जनता को पूरा भरोसा है, और अपने प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, अपने हमारे पार्टी की जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे और भी बड़े बड़े नेता हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, और वो उनका विश्वास इसीलिए है कि मैं, जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, कार्यकर्ताओं ने मुझ पर विश्वास किया है। राजसिन्हा जी, कोई संशय था कहीं पे मन के किसी कोने में कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई बार पार्टी में बदलाव किए जाते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जाता है, ऐसी कोई शंका, कोई ऐसे विचार मन में आ रहे थे? नहीं, मुझे तो लगता है कि हमारे पार्टी ने, हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रदेश के नेता जी, संगठन मंत्री, हमारे अध्यक्ष, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, या अपने कार्यकर्ता जिस प्रकार से मुझे प्रेम करते हैं, और जिस प्रकार से मैं दिन रात, जिसको बोलते हैं ना 24/7, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे कहीं कोई संशय नहीं थी इस बात में कि हमको पार्टी कोई बदलाव करेगी हमारे धनबाद के सीट पे। अच्छा, आपने ये लिस्ट देखी है जिन नामों को हम इस वक्त न्यूज 18 के जरिए बीजेपी की जिस लिस्ट को दिखा रहे हैं? पूरी लिस्ट नहीं देख पाए हैं अभी, तो आप ही लोग के माध्यम से अपनी जानकारी मिली है,
तो बाकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन सब लोग के नाम धीरे धीरे करके देखूंगा। और पार्टी बिल्कुल इस बार सरकार में, झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी बिल्कुल, ये जो अभी जो जेएमएम की सरकार जो है, जो जेएमएम और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार में पूरा झारखंड को जिसने तबाह कर दिया है, इस बार परिवर्तन की लहर है झारखंड में और लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव कर, मतदान करेंगे। बिल्कुल जी, चूंकि बीजेपी बीजेपी को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी चाहे वो सीट शेयरिंग का मसला हो, उम्मीदवारों के नाम की बात हो, चुनावी तैयारी की बात हो, वो पांचों साल मेहनत करती है, फिर वो चुनाव से पहले सभी दूसरी तमाम सहयोगियों से आगे अपने लिस्ट को जारी करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है, उसमें बीजेपी इस वक्त भी आगे है। नहीं, हम लोग बीजेपी पार्टी तो हमेशा काम करती है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग दिन रात हम लोग लगे रहते हैं और इसलिए हम तो चुनाव जीतते हैं, दूसरे दिन से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसमें बहुत शुक्रिया और बधाई भी आपको टिकट मिलने